और गाजा को लेकर के अभी की बड़ी खबर है वो सबसे पहले आपको बता दें, गाजा पर चलेगा इसराइल का शासन। यूएन में इसराइली राजदूत ने इसके संकेत दिए हैं। अरब देशों से मिलकर शासन करेगा इसराइल और नॉर्थ गाजा पर फुल कंट्रोल के करीब है इसराइल। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है और अब आगे इसके बारे में डिटेल आपको बता दें, गाजा में इसराइली शासन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। जानकारी ये कहती है कि गाजा पर कब्जे के बाद नेतन्याहू आगे शासन करेंगे, इस बात के संकेत मिले हैं। गाजा को अपने कंट्रोल में लेंगे इसराइल के पीएम नेतन्याहू और युद्ध के बाद भी गाजा में रहेगी आईडीएफ यानी कि इसराइल डिफेंस फोर्स। अब अरब देशों के साथ मिलकर के इसराइल का शासन का प्लान है, अरब देशों से जल्द शुरू हो सकती है इसराइल की बात, गाजा की सरकार और उसे चलाने पर बात हो सकती है। इंटरनेशनल फोर्स के हवाले नहीं होगा गाजा, अरब देशों का क्या साथ मिलेगा यही है सबसे बड़ा सवाल। अरब देश साथ देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अरब देश में कई मुस्लिम देश हैं और उन देशों का अलग अलग रुख है इस युद्ध को लेकर। कुछ देश साथ आ भी सकते हैं इसराइल के और काफी देशों की हमास से हमदर्दी है जो कि हमास के पक्ष में है। कई अरब देशों का दुश्मन है हमास। तो देखिए कुल मिलाकर के विरोधाभास बना हुआ है कि अरब देश साथ देंगे या नहीं इसराइल का। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, अरब देश मुस्लिम देश कह लें, उनके बीच में एकता देखने को नहीं मिल रही है इस पूरे युद्ध को लेकर। कुछ हमास के साथ है तो कुछ इसराइल के साथ भी है। ऐसे में अगर पीएम नेतन्याहू आगे गाजा में सरकार चलाने को लेकर अरब देशों से बात करेंगे तो क्या अरब देश सहमति देंगे अपनी? देखिए अरब देश अगर आप मोटे तौर पर अगर आप देखें कि ना सिर्फ अरब देश बल्कि कई ऐसे सपोर्टर्स, चाहे वो ईरान हो, चाहे आप कह सकते हो कि जॉर्डन हो, चाहे वो इजिप्ट भी हो, कई ऐसे देश जो भले ही खुलकर सामने ना आ रहे हो लेकिन वो चाहते हैं कि पूरी चीज का रेजोल्यूशन या फिर पूरी चीज का सोल्यूशन निकाला जा सके। अभी लगातार हम जब नॉर्थ और साउथ गाजा की डिस्कस कर रहे थे तब भी आप ये मानिए कि जो ऑपरेशन नॉर्थ गाजा में चलाए गए थे उस ग्रेविटी के, उस तरीके के ऑपरेशन साउथ गाजा में नहीं चलेंगे। उसके दो बड़े कारण है। पहला ये कि हमास का सबसे बड़ा बेस जो था वो नॉर्थ गाजा ही था। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर इसराइल पर लगातार क्रिएट हो गया है जिसमें अमेरिका भी कहीं ना कहीं जगहों पर बैकफुट पर नजर आया, वो साउथ इसराइल में साउथ गाजा के अंदर इसराइल गलती नहीं करेगा। लगातार अरब देशों से इसी बात को लेकर बातचीत की जा रही है कि किस तरीके के नए मैकेनिज्म तैयार किए जाएं ताकि ना सिर्फ गाजा के अंदर रह रहे फिलिस्तीन के लोगों को बल्कि इसराइल को भी एक पैरेलल एक सेफ्टी जोन क्रिएट हो सके। और इसके लिए ये कोशिश की जा रही है कि वेस्ट बैंक के मैकेनिज्म को यानी कई ऐसे कंपाउंड को बनाया जाए जिनकी रख रखाव, जिनकी सिक्योरिटी, जिनकी पूरी मॉनिटरिंग इसराइल ही करे। और ये सारी चीजें लगातार अरब देशों के कई प्रतिनिधियों के द्वारा एक एक एक, एक कमेटी बनाकर की जाए जिसमें सारी तरफ से दोनों तरफ का पक्ष रखा जाए। तो एक ऐसे मैकेनिज्म को लगातार डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन मीनवाइल अगर आप देखें कि इसराइल इन इलाकों के अंदर अपने वो ऑपरेशन हमेशा चलाता रहेगा जहां जहां पर उसने ये क्लियर किया है, जहां जहां पर उसको ये इनपुट मिलेंगे कि हमास अपने आप को रिवाइव कर रहा है या फिर हमास अभी भी लगातार इन इलाकों में बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सुमित। तो इसराइल ना सिर्फ पूरी तरह से कंट्रोल रखेगा अब गाजा पर बल्कि इसके बाद भी लगातार उसकी तरफ से चौकसी रहेगी कि फिर से इस तरह से कोई भी आतंकी संगठन या फिर हमास खुद को रिवाइव ना कर पाए वहां पर।